आप लोगों के लिए ना एक बहुत स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ मैं। दोस्तों देखो अभी ना सासू जी हो रही हैं रेडी, तो फाइनली ये मेरी हो चुकी है खेत जाने की। तो सागे कहाँ जा रही हूँ, तो आज ना हमारी समूह की बैठक है और सारे आम हो रखे हैं सासू जी के पेड़ पे। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत ना दिन के 12 बजे से हो रही है, तो आज ना हम लोग आप लोगों के लिए ना एक बहुत स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि आज ना सासू जी को पहनाने वाली हूँ मैं लहंगा। तो अभी तो मैं उनको बोल रही हूँ पर वो रेडी होंगे नहीं होंगे वो मना कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मतलब ना सासू जी का लहंगे में थोड़ा फोटो वोटो शूट करेंगे, तो घर पे कोई नहीं है आज तो क्या करें, और धूप भी बाहर बहुत लगी हुई है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, अगर वो रेडी होंगे तो करेंगे और नहीं होंगे तो अपना कंटिन्यू ब्लॉग करूँगी। अभी ना सासू जी भी तैयार होने के लिए मान गए हैं और मैं ना खाना बना रही थी, तो आज ना मैं भी चूल्हे में बना रही हूँ क्योंकि आज ना मैं भात में बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों देखो अभी ना सासू जी हो रहे हैं रेडी, तो फाइनली ये मान गए हैं लहंगा पहनने के लिए। तो ये देखो, तो फाइनल लुक दिखाएंगे आपको अभी कैसे लगते हैं। तो दोस्तों ये देखो सासू जी का फाइनल लुक, तो कैसे लग रहे हैं। और अभी ना हम लोग करेंगे फोटोशूट, कैसे लग रहा है इसको पहन के। तो गर्मी तो हो ही रही है पर बहुत अच्छा लग रहा है आप पे, चलो आओ। तो दोस्तों अभी मैं करने वाली हूँ सासू जी को, एक दो फोटो खींचते हैं। तो दोस्तों देखो अभी सासू जी का चल रहा है यहाँ पे फोटो शूट, और गुल्लू कैसा कर रहा, तो काश के कैमरा होता ना तो यहाँ पे लेंगे हम अभी फोटो। देखो पोजेस ना, सासू जी की बहुत सारी फोटो मैंने खींच दी है और अभी फिर और खींचेंगे। जरा चश्मा वश्मा ढूंढते हैं। बिना मैं सासू जी के बना रही हूँ, वो भी लहंगे बस बस। अभी ना दोस्तों शाम के 3:30 हो चुके हैं और फिर से हमारी तैयारी हो चुकी है खेत जाने की। तो सासू जी ना आगे जा चुके हैं और मैं अब जा रही हूँ। आजकल भी ना हम लोग मंडवे की गुड़ाई कर रहे हैं, तो हमने तो आधा कर ही दिया है, और झंगुरे की गुड़ाई भी हमने इतनी स्पीड की, और अब मंडवे की गुड़ाई भी ना फटाफट कर रहे हैं क्योंकि बारिश तो आ नहीं रही है, और अगर बारिश आएगी ना तो फिर वो खेत जो है वो बिल्कुल एकदम वो हो जाएंगे, बंजर जैसे हो जाएंगे, जिनको ना बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी खोदने में। बाकी यार पहाड़ों में ना बिल्कुल भी बारिश नहीं आ रही है, जिस वजह से ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी की क्या ही बोलें। तो ये देखो गर्मी से ना मौसम भी कैसा हो रखा है, और नीचे की साइड को देखो इतनी ज़्यादा धुंध लगी हुई है ना, तो जो खेतों में ना अनाज भी है वो पूरी तरह ऐसे मुरझा रखा है। तो यहाँ पे भी है हमारा एक खेत जिसकी गुड़ाई ना हमने अभी तक नहीं की है, ये वाला खेत तो कैसे सूख रखा है, देखो पूरा सूख रखा है, ये भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें कि इसमें ना मंडवा भी होगा। तो चलते हैं अभी। तो दोस्तों आज मैं मिल रही हूँ आपको सीधे दिन, और आजकल ना मेरे ब्लॉग ना पूरे नहीं बन पा रहे हैं। तो ये है मेरी कंडी और यह है मेरी कॉफ़ी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज कॉफ़ी कंडी सब एक साथ लेके कहाँ जा रही हूँ, तो आज ना हमारे समूह की बैठक है और ये मेरी कॉफ़ी है। मैं अपने समूह में सचिव हूँ, तो मेरे को रजिस्टर में काम करना था, तो इसलिए मैं ना उसको घर ही ले आई थी। तो हम जा रहे हैं अपने अध्यक्ष के घर पे, जो हमारे समूह में अध्यक्ष है उन सासू जी के घर पे, तो वहीं होती है हमारी बैठक। मतलब अलग अलग तो होती है पर आज हमारी बैठक वहीं पे है। तो चलिए जी चलते हैं, और इस कंडी में ना मैं बाद में घास लेके आऊँगी। हम लोग आ चुके हैं दोस्तों जहाँ पे हमारी मीटिंग होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे आम हो रखे हैं सासू जी के पेड़ पे, और हमारे इधर पे ना आम होते नहीं है, इस बार ना फर्स्ट बार आ रखे हैं। इस पर होते भी हैं तो वो पहले ही झड़ जाते हैं। तो देखो इतना गर्म होने लग गया है, बट ये अभी कोई नहीं पका है, पता नहीं ये पकेंगे कि नहीं पकेंगे। ये देखो कितने सारे आ रखे हैं। तो अभी मीटिंग में कोई नहीं आया है, सिर्फ मैं और सासू जी आए हैं।
अभी ना दोस्तों हमारी मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, तो हम लोग आ चुके हैं अभी, और अभी मुझे काटना है घास। तो चलिए, और आज ना मौसम ख़राब हो गया है, क्या पता बारिश आ जाए। बारिश तो आ नहीं रही है, पर देखते हैं, क्या पता आ जाए। तो दोस्तों अभी हम आ रहे हैं गुड़ाई करने से, और देखो मितांश भी आ रहा है, ये भी गए थे हमारे साथ। तो अभी ना मैं घास भी ले आई थी वहाँ से, और फिर मैंने और सासू जी ने नीचे खेत में गुड़ाई की। अब हम जाएंगे घर और गाय भैंसों को निकालेंगे बाहर। ये देखो मेरे घास की कंडी, उसमें है कुदाल। मितांश भी गया था हमारे साथ, उसके पापा ना अभी लेके गए थे उसको। तो चलते हैं, चलिए। दोस्तों अभी ना हम सब लोग आए हैं पोले हाउस में, और यहाँ पे ना हम थोड़ा ये घास वगैरह निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मितांश भी आ रखा है, ये भी लगा है काम करने पे। ये देखो अभी बोलो, चलो बोलती। हाय गाइस, कैसे हो? बोल। मस्त है, आप कैसे हो? बहुत है, ठीक हूँ। बोल, ओके। आप क्या कर रहे हो? गोड़ी कर रहे हो? दादी भी है और गुलू भी और मम्मी भी। ये आपका पाँव किसने बांधा? ममिल। और तो दोस्तों देखो अभी मैं आ चुकी हूँ घास लेके। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ अपने गौशाले पे, और मितांश भी आ रहा है भागते भागते। तो देखो गाय भैंस को ना मैंने उसी टाइम निकाल दिया था, फिर हम पोले हाउस में गए और वहाँ पे ना हमने थोड़ा घास वगैरह निकाली। वहाँ पे हमने टमाटर लगा रखे हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों इतना ही रखती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक ले टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड। और मितांश ने देखो सर पर कैसे लगा रखा है। बाय बाय।